हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फूड कॉर्नर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खरबूजे की ऐसी रेसिपी जो आपको इन गर्मियों में अंदर तक ठंडक दे सके। घर में ही आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। फालूदा और मिल्क शेक से भी इसका टेस्ट सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो हमने लेना है मस्क मेलन यानी खरबूजा, और इसे बिल्कुल बीच में से हम कट कर लेंगे और अंदर से एक स्पून के हेल्प से हम इसका जो सारा बीज है निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से इसके बीज निकल जाते हैं एक स्पून के हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए हैं। अब वही स्पून के हेल्प से मैं इसका पल्प निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो आप इस मेथड को ट्राई कीजिए स्पून वाले, इससे आसानी से ये निकल जाएगा। अगर आपका खरबूजा फीका भी है तो कोई बात नहीं, इसका जो जूस है बहुत टेस्टी और स्वीट बनने वाला है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इसका जो सारा पल्प है निकाल ले रही हूँ। अब मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर इसके एक फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रीन पर इसी तरह से हमने इसके एक पेस्ट बना लेनी है। अब हमारे जूस को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है साबूदाना यानी सागो, और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख लिया था। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे एक गिलास पानी, और पानी को उबाल आने पर हम इसमें साबूदाना को ऐड कर लेंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे। साबूदाना से जूस का टेस्ट तो बढ़ता ही है और ये जो जूस को एक अच्छा सा फ्लेवर भी देता है और ठंडक भी हमें मिल जाती है। अगर आपको पसंद नहीं है साबूदाना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर हम इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। कंटिन्यूसली हम इसे स्टर करेंगे और बस इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और साबूदाना एक छन्नी के हेल्प से छान लेंगे। इसका जो एक्सेस वाटर है हम सारा निकाल लेंगे और इसका जो स्टार्च है एक्स्ट्रा ये भी निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैंने वैनिला फ्लेवर यूज़ किया है 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक घोल हम बना लेंगे। कस्टर्ड पाउडर से हमारे मस्क मेलन जूस को एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिल जाता है, टेस्ट मिल जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है हमारा जूस। तो इस तरह से हम इसका एक गाढ़ा सा घोल रेडी कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो आप इसे अच्छे से स्टर कीजिए। अब वही कढ़ाई में मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क। अब इस दूध को हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो एक उबाल आने तक, एक बॉईल आने तक मैंने दूध को अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे डालना है। आपको ऐड करते करते इसे स्टर भी करते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने वाले हैं और इसे बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आने वाला है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। थोड़ा सा हमें थिक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब डालेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ली है। आप अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शुगर ऐड कीजिए। बहुत ही न्यू रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे रमज़ान में इफ्तार में ट्राई कर सकते हैं। सबको एक न्यू चिल ड्रिंक का मज़ेदार टेस्ट भी दे सकते हैं। को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत से इफ्तार के रेसिपीज़ भी इस पर डाले, तो वो चेक कीजिए प्लीज़। आपको बहुत ही टेस्टी और कम वक्त में बनने वाले रेसिपीज़ मिल जाएंगे। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है, टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। तो इस स्टेज पर हमने जो पल्प निकाल लिया था खरबूजे का, वो ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। सारा जो पल्प है हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्जा के बीज। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सब्जा के बीज ऐड किए हैं।
मैंने इसमें इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख लिया था। 5 से 6 मिनट भी ये पानी में भीग कर अच्छे से फूल जाते हैं। तो सब्जा के जो बीज है बहुत हेल्दी होती है, गर्मियों में हमारे हेल्थ को बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं ये सब्जा के बीज। तो आप ट्राई कीजिए ज़रूर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है इससे हमारा जो जूस है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो जूस है ये अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए इफ्तार में, सबको बहुत पसंद आने वाली है। और हाँ, मुझे कमेंट कर कर भी बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब जो हमने साबूदाना पका कर रख लिया था हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से जूस में मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे स्टर करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर साबूदाना तो ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल इसी तरह से स्टर कर रही हूँ और इसका जो सारा साबूदाना है अच्छे से जूस में मिक्स भी हो चुका है। और बस हम इसे 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख लेंगे। और बस हमारा जो ठंडा ठंडा मस्क मेलन जूस रेडी हो चुका है। आप इसे गार्निश कीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।